क्वेश्चन संभाल ले। जम्मू कश्मीर कहाँ है? भारत का अभिन्न अंग। सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी आ गई, मिडिल ईस्ट में कोई शोर मचा? कहीं नहीं साहब, घर से लेके बाहर तक कहीं कोई शोर नहीं। दुबई में, कश्मीर की गलियों में, कश्मीर का जो चार डिस्ट्रिक्ट हैं श्रीनगर के, जो प्रॉब्लम है, चाहे वो अनंतनाग हो, शोपोर हो, और जो नीचे के हैं जहां पर पत्थरबाजी होती थी, वहां से लेके दुबई हो, बहरीन हो, सऊदी अरेबिया हो, पाकिस्तान को छोड़कर 57 नेशन जो भी 56 नेशन जो हैं, अमेरिका हो, कोई भी हो, शोर मचाया? कहीं नहीं। शोर किसने मचाया? अब आप ये सोचिए, शोर मचाया पी चिदम्बरम ने, शोर मचाया कांग्रेसियों ने। इन लोगों ने ये बोला कि हमारी सरकार आएगी तो हम 370 को बहाल करने की रास्ते फिर से ढूंढेंगे। एक चीज जब मैं ये बोलता हूं, इसके साथ थोड़ा इतिहास देखिए। जब तक भारत में कांग्रेस की सत्ता रही, पाकिस्तान में रोटी के लाले नहीं थे, पाकिस्तान के पास अपूर पैसा था, बहुत महत्वपूर्ण बात। और जिस दिन कांग्रेस की सरकार हटी, पाकिस्तान का कटोरे का साइज बड़ा होता चला गया। बिल्कुल ठीक बात। और आपके एलओसी पे इन्फिल्ट्रेशन कम हो गई, आपकी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग कम हो गई। किसी टाइम हमारे सेना के जवानों के सिर काट के ले जाके पाकिस्तान में फुटबॉल खेलते थे उनके सिर से, आज वो खत्म हो गया। हिम्मत नहीं है इधर की तरफ आंख उठा के देख लो। 370 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट ने दी, उसके खिलाफ कौन था? उसके खिलाफ आपके बुद्धिजीवी थे, आपके इंटेलेक्चुअल थे, आपके जेएनयू गैंग था, आपका लाल सलाम था, आपकी कांग्रेस थी। अगर अब भी आपको भारत के दुश्मन दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो आपके बीच में बैठे हैं, जिनको आप तालियां पीट पीट के पढ़ते हो, सुनते हो, उनकी कमाई बढ़ाते हो सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे, आज कश्मीर में कुछ नहीं है, शोर या नहीं है। बिल्कुल ठीक।